क्योंकि आप मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को सबको पता है कि सैटरडे को हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल हम हंगर स्ट्राइक पे निकले एक प्रोसेशन लेके। तो हमें ये कहा जाता है कि ये कोविड है, कोविड में 19 में ये ना की जाए। हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, बसेस फुल जा रही हैं उनकी। हरियाणा ने खोल दिया, हिमाचल ने खोल दिया, यूपी ने खोल दिया, दिल्ली ने खोल दिया। हमें एक और तोहफा मिला है जो हमें ही नहीं मिला, ट्रांसपोर्टर्स को, पूरे जम्मू निवासियों, कश्मीर निवासियों को, पूरी यूटी को उन्होंने एक और तोहफा दे दिया। जितना भी आपका टोकन था उसको डबल कर दिया गया, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रेलर है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो बस है, चाहे कुछ भी है, थ्री व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, आप लोग भी नहीं इसमें से बचे हो। ये तोहफे दिए जा रहे हैं कोविड में। और जो हम राहत मांग रहे हैं, कोई किस्म की राहत नहीं मिल रही है, हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सड़कों पे आए हैं तो वो भी हमको मजबूर किया गया। अब कल से हम अपने ट्रक्स और टैंकर्स बंद करेंगे और उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर कमी आएगी तो उसकी जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट होगी, हमने ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे। क्योंकि इस दौरान टैक्स भी बढ़ाए जा रहे हैं और डीजल पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। और जब हम बोलते हैं कि हमारे रिवीजन, फेयर रिवीजन और फेयर रिवीजन क्यों नहीं हुए, तो फिर ये कहा जाता है कि दफ्तर में काम नहीं हो रहा है, दफ्तर। मैं कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने हो तो तब दफ्तर खुले हुए हैं, जब उनको अपने पैसे कलेक्ट करने हों तो दफ्तर खुला हुआ है। लेकिन जब किसी पब्लिक को, ट्रांसपोर्टर्स को, जनरल पब्लिक को कुछ देना हो, यूटी में कहीं पे पूरे हिंदुस्तान में जो यूटीज हैं उनमें पैसेंजर टैक्स नहीं है, ये टोल प्लाजा नहीं है। यूटी के जो बेनिफिट थे, हमें ये कहा गया था कि जब यूटी बनेगी तो उस यूटी में आपको बहुत से बेनिफिट होंगे। जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो तो कोई मिला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमें टैक्स पे और हमें और हमारा गला जो है वो दबाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल एल जी साहब को, सीएस साहब को, ये पूरे ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से विनती करूँगा कि वो बीच में आए और आके जो ये नेगोशिएशन करके, इस जो हम सड़कों पे आ रहे हैं, कल हम ट्रांसपोर्ट बंद करने जा रहे हैं, तो ये पोजीशन ना आए, ये कन्फ्रंटेशन ना आए, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना बने। और अगर अब भी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम 3 दिन के बाद अपने ट्रकर्स और बसेस सड़कों में लाएंगे और एक एक करके गाड़ी अपनी जलाएंगे। और जिसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे। कोई लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने, एसेंशियल कमोडिटीज की अगर कमी आए तो उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, हम नहीं होंगे।